हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिपेक। आज हमारा एक फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर का अगला पॉइंट है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। तो हमने ये डिस्कस किया था पिछली वाली वीडियो में, जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो बहुत ही छोटे होते हैं। तो इसको एक एक्टिविटी से हम क्या करेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले लिखा है एक्टिविटी में, डिज़ोल्व 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैगनेट इन 100 ml ऑफ वाटर। ये हंड्रेड एम एल ऑफ वाटर है। इसमें क्या कर रहा है, इसमें कर दिया है 2-3 क्रिस्टल्स डाल दी है पोटेशियम पर मैगनेट के, ठीक है, जिसकी कलर से इसमें डार्क पर्पल कलर का रंग हो गया है, कलर हो गया है। फिर हमने क्या किया, टेक 10 ml क्या डाला है इसमें ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड डिज़ोल्व 100 ml ऑफ वाटर। हमने 10 ml सॉल्यूशन लिया इसमें से निकाल के, यहाँ पे 90 बचा, 10 ml हमने लिया और उसमें 100 ml पानी में हमने वो मिला दिया, ठीक है। टेक 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड डिजोल्व इन 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है। फिर उसमें से भी हमने 10 ml लिया और उसमें 100 ml वाटर डिजोल्व किया। इसको 5-6 टाइम करते रहेंगे। दिस शोज दैट फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इससे क्या पता था, एक छोटे छोटी जो फ्यू क्रिस्टल्स जो भी है पोटेशियम पर मैगनेट के, उसकी वजह से क्या हुआ, इतना ज़्यादा पानी का जो वॉल्यूम है उससे उसका कलर चेंज हो रहा है। बिकॉज देयर इज़ अ मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन दी ईच क्रिस्टल। इसका क्या मतलब है कि मिलियन ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं हर एक क्रिस्टल से। तो आई होप आपको इस एक्सपेरिमेंट से समझ आ गया होगा कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो बहुत ही छोटे होते हैं, मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल्स होते हैं हर एक क्रिस्टल्स में, जिसकी वजह से आपने देखा पोटेशियम पर मैग्नेट का जो थोड़ा सा भी हमने ड्रॉप्स डाले उसकी वजह से कलर्स में कितना चेंज आ गया, इतने ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर को उसने चेंज कर दिया कलर से, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।